जोहार, जय किसान। हम लोग की बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से खेती किसानी को लेकर नए नए प्रयोग हो रहे हैं और बहुत कुछ बेहतर हो रहा है। हम लोग सब जान रहे हैं कि गौधन योजना चल रही है, गोबर से जो है जैविक खेती की और बायो खेती की एक बातचीत जो चल रही थी वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रही है। मैं एक छत्तीसगढ़ के ये फुंडा में आया हूँ, SRT नाम एक बड़ा नाम है यहाँ पर, श्री राजेश टोंक। तो इन्होंने पिछले कई सालों से लगातार काम किया और एक फैक्ट्री भी बनाई है जिसके अंदर में वो बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइज़र दोनों का उपयोग ये दोनों अच्छे से दृष्टि करते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट हैं, हम सब जान रहे हैं कि केमिकल जो रासायनिक खाद है और रासायनिक पेस्टिसाइड है ये धरती को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके साथ में ही उन्नत किसान है तो एक चीज़ की अच्छी जानकारी इनके पास में ये है कि अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या की अगर है तो कहा जाता है कि यहाँ पे धरती में जीव जंतु का उत्पन्न होते हैं, तो इसका ये छिड़काव जो देख रहे हैं, अमावस्या आने वाली है, दो दिन बाद में अमावस्या है, तो पेस्टिसाइड का और ये बायो पेस्टिसाइड है गोबर से और दूसरी चीज़ों से बनी हुई है, इस पेस्टिसाइड का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है। इसी तरीके से पूर्णिमा जो किट होती है, पूर्णिमा किट में जो फर्टिलाइज़र की का उपयोग करते हैं ताकि प्रोडक्शन बहुत बहुत अच्छा हो। मेरे साथ में शशांक है, शशांक किस तरीके से ये काम चल रहा है? जी, ये आप पीछे देख रहे होंगे, ये हमारी जो बनाई हुई अमावस्या किट है, जिस किट में सारे ही नुकसान करने वाले जीव जंतु को उनका बायोलॉजिकल तरीके से कंट्रोल का स्प्रे चल रहा है अभी। ये बायो जो पेस्टिसाइड है ये किससे बनता है? ये बायो पेस्टिसाइड बैक्टीरिया और फंगस के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये बैक्टीरिया फंगस कहाँ से लेते हैं हम? ये सॉइल से ही निकला हुआ है, ये अच्छा। ये हमारे सॉइल में पहले से ही है, इसी में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, निकाला हुआ है। जी, इसमें मतलब गोबर या किसी गौमूत्र का और प्रयोग करते हैं? वो हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स है, जैसे खाद वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे प्रोम हो गया, NPK हो गया, उन सब में गोबर गौमूत्र का उपयोग करके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ये खीरे का जो है प्रोडक्शन आप लोग ले रहे हो, ये जो बनाया है मशीन भी जो बनाई है आपने बनाई याद की है? ये इधर ही, हाँ, हमने थोड़ा बहुत इनोवेशन करके बनाई हुई है। इस तरीके से चार चार रो में, आठ रो में हो जाता है? हाँ, कितने एकड़ में करीब लगा हुआ है ये खीरा? ये लगभग करीब करीब 15 एकड़ में लगा हुआ है खीरा। अच्छा, कितना यील्ड आ जाता होगा इसमें? खीरे का लगभग 10-12 टन यील्ड आता है। अच्छा, तो कितना ये खर्चा जो होता है, ये अगर रासायनिक खाद से देखें तो कितना खर्चा होता होगा? रासायनिक खाद के कंपैरिजन में लगभग 20-25% कम खर्चा आता है। अच्छा, वो एक रुपया लगेगा तो ये 75 पैसा करीब करीब लगेगा। उससे भी कम लगता है इसमें? और भी कम लग सकता है, क्योंकि ये जैसे बताया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, तो एक बार स्प्रे करने के बाद, जैसे केमिकल होता है, एक बार स्प्रे किए उसका वो अपना काम किया और ख़त्म हो गया, और ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ये लाइव बैक्टीरिया से लाइव फंगस है, तो ये रहता है प्लांट में, तो जैसे अगली दूसरे बार भी पेस्ट आने वाला होता है तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। मतलब ये अगर प्रोडक्शन में जैसे 2-3 महीने का फसल है, हाँ, पूरी क्रॉप साइकिल में, पूरी क्रॉप साइकिल में ये बना रहेगा, ये हाँ रहेगा, जमीन में रहेगा, एनवायरमेंट में रहेगा, ये एनवायरमेंट में रहेगा इधर ही से, और इको फ्रेंडली है एक तरीके से। हाँ, मतलब बाकी का नुकसान नहीं करता? नहीं नहीं, ये केमिकल जैसे इसको अगर ये प्रोडक्ट को अगर इंसान खा भी लेता है तो कोई नुकसान नहीं है इसका। अच्छा, लेकिन सिर्फ कीड़े जो होते हैं वही? सिर्फ हाँ, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया फंगस पर्टिकुलर कीड़ों को या पेस्ट को ही टारगेट करते हैं, इससे ज़्यादा उससे नहीं करते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसका काम ही वो है करना। अच्छा, ये जो अमावस्या किट है कितने करीब की लागत आती है इसमें? लगभग इसका MRP 4,000 रुपये है और ये 2.5 एकड़ की किट है, 2.5 एकड़ 1 हेक्टेयर की किट है, तो 2.5 एकड़ में मतलब 1 हेक्टेयर के लिए काम कर लेता है ये। जी, अब अगर इसी में अगर फर्टिलाइजर भी जो होता है पूर्णिमा किट, जी हमारे की आती है वो उसका भी सेम रेट है और वो भी 1 हेक्टेयर की किट है पूरी, वो भी सेम रेट है और इसमें काम करता है। हाँ, और उसमें भी सारे टाइप के फर्टिलाइजर्स है उसमें। तो ये जितना भी है एक तरीके से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो ऑर्गेनिक निकलेगा? हाँ, जो प्रैक्टिस होती है खेती करने की वो बायोलॉजिकल करते हैं और इसका जो प्रोड्यूस निकलेगा वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होगा। मतलब इसमें बाजार में जो इसका यूज करेंगे या उपयोग करेंगे उनको कम हार्मफुल है और अभी तो चला नहीं है? जैसे केमिकल का थोड़ा रेसिड्यू आता है, इसमें तो किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं जा रहा है, ये ऑलमोस्ट लाइव ऑर्गेनिज्म है, तो इसका तो कोई रेसिड्यू नहीं आएगा केमिकल जैसा। तो इसका पैसा ज़्यादा मिलता है हम लोग को कि नहीं मिलता है आपको? हाँ, पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट में ऑर्गेनिक का तो अभी अच्छा रेट है। सर्टिफाइड भी कहीं से कराते हैं क्या? जी, हमारा फार्म ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म है। नहीं, आपका फॉर्म ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है? जी, मतलब वो जो भी है यहाँ प्रोडक्ट, हाँ, सर्टिफिकेशन एजेंसीज है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन वाली, तो प्रोडक्ट का भी करते हैं कि प्रोडक्ट का भी? हाँ, प्रोडक्ट का भी करते हैं, फील्ड का भी करते हैं। फील्ड का भी करते हैं। तो क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से चल रहा है SRT का काम,
कि और भी फर्टिलाइजर में या इसमें कर रहे हैं, आप क्या करते हो ससांग में से, क्या कितने पढ़े लिखे हो? मेरा BBA हुआ है अंडर ग्रेजुएशन 2018 में। अच्छा, तो कितने साल से इस फील्ड में काम कर रहे हो? लगभग तब से अभी तक मैं इधर ही लगभग चार छः साल हो गए मेरे। क्या कहना चाहोगे गाँव को, और ये जो अभी नया चलन शुरू हुआ है लोग कर रहे हैं इस तरीके का, क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो चाहूँगा कि जितनी नया यूथ है, नई जनरेशन है, वो ये ऑर्गेनिक चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए बल्कि उनको, क्योंकि पता ही है केमिकल से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है सबको। अच्छा, SRT के जो प्रोडक्ट है उनका क्या रिस्पांस आ रहा है, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है सिस्को ग्रीन की तरफ से, मार्केटिंग भी हो रही है, तो क्या जा रहा है? आपने देखा होगा जैसे अभी तो हमारा खुद का भी ट्रायल है, हमारे खुद के भी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। हमारा अभी प्रोडक्ट अभी आसाम जा रहा है, कुछ दूसरी कंट्रीज़ में भी जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया भी हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, तो जहाँ जहाँ उपयोग हुआ है वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इसका। खेती बाड़ी के संबंध में अगर और कहें तो क्या किसान को क्या ध्यान रखना चाहिए, इसको लेते हैं जैसे खीरा ले रहे हो आप, कुमड़ा भी लगाया तो उसके बाद में चेंज करते हो आप? हाँ जी, ये रोटेशन सीजन के हिसाब से अलग अलग क्रॉप्स लगते हैं। तो रोटेशन का कुछ फ़ायदा पड़ता है, क्या फ़ायदा होता है रोटेशन? हाँ, रोटेशन का भी कुछ फ़ायदा है, जैसे कुछ क्रॉप्स होती है वो प्लांट सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करती है, कोई क्रॉप होती है जो कुछ और न्यूट्रिएंट है, तो वो दूसरी आने वाली फसल को फ़ायदा पहुँचा। मतलब क्या है, किसान को जो भी उत्पाद लेना है वो चेंज करके लेना चाहिए, एक साल धान ले लिया फिर उसके बाद में दलहन ले लिया, कुछ चेंज करते रहना चाहिए, नहीं तो वो सेम क्रॉप लेने से, जैसे एक क्रॉप है जैसे अभी धान लगा है, धान में पेस्ट है, अगर कुछ पेस्ट लगा हार्वेस्टिंग के टाइम, कुछ पेस्ट बचा हुआ है, नेक्स्ट क्रॉप आएगी तो उसमें भी सेम पेस्ट आ जाएगा, क्योंकि पेस्ट पर्टिकुलर क्रॉप के हिसाब से होता है, मतलब धान का पेस्ट है तो उसमें लगेगा, खीरा का पेस्ट है तो उसी में मोस्टली जाता है। क्या क्या उगाते हैं इसके अलावा, खीरा कुमड़ा के अलावा? खीरा जैसे अभी तो खीरा और कुमड़ा लगा हुआ है, इसके बाद आएगा टमाटर, मिर्ची आएगी, ऐसे रोटेशन चलते रहता है, हर साल चेंज करते रहते हैं क्रॉप्स, कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। खेती किसानी में क्या लकुना लगता है, क्या कमी लगती है जिसकी वजह से भारत जैसा देश जो किसानों का देश है उसके बाद में भी इतनी तरक्की नहीं हो पा रही जितनी होना चाहिए? जागरूक नहीं है किसान उतना, थोड़ी इन्फॉर्मेशन की कमी है किसानों को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसान किसी के दवाई लेने जाता है, खाद लेने जाता है, तो किसान को पता नहीं है कि क्या दवाई खाद डालना चाहिए, वो जनरली दुकान वाले से पूछता है कि क्या क्रॉप मेरे ये पेस्ट है, मैं क्या दवाई डालूँ, मेरे को ये कमी आ रही है क्रॉप में, क्या क्या दवाई डालना चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन का थोड़ा कमी है यहाँ। पहले हमको लगता है कि किसान जो जानकारी थी किसानों के पास में वो परंपरागत खेती से भूल गए हैं, और नई चीज़ें आने के बाद में, रासायनिक खाद आने के बाद में बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं दुकानदार के ऊपर में, और ट्रेडिशनल अगर करते वो तो निश्चित रूप से ये सब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत अच्छी बात है, खेती किसानी की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में खेती किसानी का अपना महत्व है, और SRT ने एक बड़ा नाम किया है, तो जो भी इनके बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइज़र है इसका उपयोग आप लोग करें। ससांग, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर अंटुबिया भी हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।